भारतवर्ष की सनातन संस्कृति में बहुत से रहस्य छिपे हुए हैं। हमारी धरती पर न जाने कितने तपस्वी एवं योगियों ने अपनी बोध शक्ति का एहसास प्राप्त किया है। यह धरती हिमालय की विशाल काय चोटियों एवं अनंत विशाल नीले समुद्रों से लोगों को अपनी तरफ हमेशा से ही आकर्षित करते हुए आई है। इस धरती ने संसार को महान आत्माओं से परिचित करवाया है। इसने हर युग में सोना उगला है। हमारे ऋषि मुनियों ने अपने अपने युगों में मानव शरीर की संरचना एवं उसके विज्ञान को समझा है। उन्होंने इस संसार के सबसे बुद्धिमान जीव को अपनी शक्तियों का एहसास कैसे और किस तरह से कर सकते हैं इसका बोध कराया है। मनुष्य का जन्म किसी न किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए होता है। हम अपने जीवन को संसार की बुराइयों में व्यस्त करके उसकी असल क्षमता से बहुत समय तक वंचित रखते हैं। एक दिन आता है जब हम सही को चुनकर बुराई से दूर होते हैं। यह एहसास हमें तभी हो पाते हैं जब हम अपनी भीतर की शक्ति को सही समय पर पहचान पाते हैं। यदि उसी एहसास को हम एक लक्ष्य दे दें तो वह अपनी सभी कमजोरियों को त्याग कर एक महामानव बनने की दिशा पर अग्रसर हो जाएगा। मनुष्य का शरीर इस ब्रह्मांड का सबसे दुर्लभ चित्र है। यह कोई मामूली विज्ञान नहीं है, यह स्वयं एक पूरा ब्रह्मांड है। इसमें बहुत से रहस्य छिपे हुए हैं जो जीवन के अंतिम क्षण तक हम मनुष्य जान ही नहीं पाते हैं। उन्हीं में से एक रहस्य 7 चक्रों का है। हमारे वेदों में ब्रह्मांड से लेकर मनुष्य के शरीर के विज्ञान का वर्णन पूर्ण रूप से वर्णित है। आज का मनुष्य अपने निजी कामों में इतना व्यस्त हो गया है कि उसे अपने ही शरीर का ज्ञान पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं है। यदि मनुष्य अपने शरीर का विज्ञान पूर्ण रूप से समझ ले तो उसे संसार की कोई भी विद्या लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 4 वेदों में एक वेद मानव शरीर के विज्ञान और संरचना पर आधारित है। सात चक्र, यह ऐसा रहस्यमय विषय है जिसकी जानकारी इस दुनिया के सिर्फ कुछ ही मनुष्यों को होगी। कुछ ऐसे होंगे जो इस विषय पर कार्यरत होंगे या कुछ इस पर अपनी बोध शक्ति का प्रयोग करते हुए कुछ चक्रों को जागृत कर चुके होंगे। मानव शरीर की संरचना हो या फिर किसी भी निर्जीव वस्तु की संरचना हो, यदि उसमें प्राणों को अच्छी तरह से स्थापित करना है तो आपको उसके चक्रों की प्रक्रिया को पूरा करना होगा। आप उदाहरण लें, मंदिर या उसमें स्थापित किसी देवी देवता की प्रतिमा हो, सबको प्राण प्रतिष्ठा करके चक्रों की प्रक्रिया को पूरा किया जाता है। मनुष्य के शरीर में करीब 108 चक्र होते हैं जो उसके शरीर के विभिन्न भागों में स्थापित होते हैं, जिसका ज्ञान हमें स्वयं ही नहीं होता है। इन चक्रों में मुख्य 7 चक्र होते हैं। मनुष्य के शरीर में यह 7 चक्र शरीर के नीचे के भाग से लेकर मस्तिष्क के ऊपरी सिरे तक होते हैं। 7 चक्र, सबसे पहले मूलाधार चक्र, यह गुदा और जननेंद्रियों के बीच में होता है। स्वाधिष्ठान चक्र, यह जननेंद्रियों के ठीक नीचे होता है। मणिपूरक चक्र, यह नाभि के ठीक नीचे होता है। अनाहत चक्र, यह हृदय और पसलियां जिस जगह मिलती हैं उसके ठीक नीचे होता है। विशुद्धि चक्र, यह कंठ के गड्ढे में होता है। आज्ञा चक्र, यह दोनों भौं के बीच में होता है। अंतिम सहसार चक्र, यह सिर के ठीक ऊपरी सिरे पर होता है। हर चक्र की अपनी एक प्रकृति है, सबकी अपनी एक मांग है। आप चक्रों को जागृत कर अपने जीवन को अपनी मर्जी से चला सकते हैं, खुद के स्वामी बन सकते हैं।
मूलाधार, यह निद्रा और भोजन को तरसता है। यदि आपने इसे जागृत कर लिया तो आप अपनी निद्रा और भोजन को अपनी मर्जी से चला पाएंगे। स्वाधिष्ठान, यह बहुत शक्तिशाली है। इसे जागृत करने से आप अपने भौतिक प्रकृति को सहज कर लेंगे। आप जीवन के हर भौतिक सुखों और क्षण का मजा ले पाएंगे। मणिपूरक, ये आपको जीवन के हर क्षण में सक्रिय रहने में मदद करता है। इसको जागृत करने से आप कर्म योगी की भांति अपने जीवन के हर कर्म में प्रधानता पाएंगे। अनाहत, ये आपको जीवन में संवेदनशील बनने में मदद करता है। ये आपको रचनाकर्ता बना देगा। आप एक सृजनशील व्यक्ति बन जाएंगे। विशुद्धि, यह एक फिल्टर की तरह है जो आपके जीवन में हर प्रकार की नकारात्मक प्रभाव को फिल्टर कर सकारात्मक में परिवर्तित कर देगा। आप अति शक्तिशाली बन जाएंगे। आज्ञा, यह अंतिम से एक कदम दूर है। इसकी जागृति से आपके जीवन को आप जिस दिशा में ले जाना चाहते हों उसी दिशा में ले जाएंगे। आप हर परिस्थिति में अपने को संभाल लेंगे। आप जीवन को मजाक लेंगे। आपकी बौद्धिक क्षमता इस कदर बढ़ जाएगी कि आप सिर्फ सही को ही करेंगे। यह एहसास अनोखा होगा। सहरसार, यह अंतिम है। इसके बाद कुछ नहीं। और कुछ नहीं का एहसास कैसा होता है, यह अनुभव करना मुश्किल है। आप एक लंबी और जटिल प्रक्रिया से गुजरकर अंतिम तक पहुंचते हैं। आप समझ सकते हैं कि आपकी बौद्धिक क्षमता किस हद तक होगी। आप पागलों की तरह नाचेंगे, रोएंगे, खुशियां मनाएंगे और एक समय में आप पत्थर की तरह ध्यान में होंगे। आप महामानव की श्रेणी में अपना पग रख चुके होंगे। यही है अंत जिसको जीने की इच्छा हर आत्मा रखती है। आप अनंत की शक्ति को महसूस कर पाएंगे। आप इस विशाल ब्रह्मांड को भी महसूस कर पाएंगे। यही है वो रहस्य 7 चक्रों का।